सो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आरडीएक्स एडिटर चैनल पे। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूं तब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड, आज हम कुछ इस टाइप का एडिटिंग सीखेंगे, फेस को कैसे गोरा किया जाता है, फेस को कैसे फुल एचडी स्मूथ किया जाता है और बैकग्राउंड पे कैसे लाइट लाया जाता है। फ्रेंड, बहुत भाई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई जब भी मैं फेस को स्मूथ करता हूँ ऑटोटेक स्केच बुक के अंदर तो फेस पे ब्लैक ब्लैक आ जाता है। तो भाई आज की इस वीडियो में उसी का सोल्यूशन हम बता देंगे, स्मूथ करेंगे फेस को तो ब्लैक नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड, आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाले फ्रेंड, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे फेस पे। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम लोग को शेयर कर लेना ऑटोटेक स्केच बुक के अंदर, पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड। अगर आज आप लोग वीडियो देख लेंगे, पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे फ्रेंड, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड फेस पे ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा अगर फेस को आप स्मूथ करेंगे। ठीक है भाई, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो सिंपल फ्रेंड, हम लोग शेयर कर चुके हैं ऑटोटेक स्केच बुक के अंदर। तो देखिए फ्रेंड, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए ऊपर एक प्लस का आइकन है, उस पर क्लिक करके आप लोग एक लेयर बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से आपका तीन लेयर बन गया हो, दो लेयर बन गया हो, तो इसको डिलीट करना नहीं आता है फ्रेंड। तो देखिए आपको ऊपर की तरह खींचना है, देखिए फ्रेंड एक डिलीट वाला बॉक्स बन रहा है, उस पर आप लोग रखेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम है। देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना है और देखिए फ्रेंड ट्रेडिशनल यही मीडियम ब्रश यूज करते हैं फ्रेंड। आप लोग काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा। ठीक है भाई, और सेटिंग देख लीजिए, साइज अपने हिसाब से रखिएगा फ्रेंड, ओपेसिटी को आप लोग 100 रखिएगा। ठीक है, इतना करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को देखिए सर्कल है कलरफुल, उस पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ बहुत सारा कलरफुल है। ठीक है, कलरफुल ऑप्शन है, तो वाई आर हम लोग को 20 यूज करना है, वाई आर 20 कॉपिक पे आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, कलर कॉपिक पे आ जाएंगे, वाई आर 20 यूज करेंगे। इतना करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को बैक आ जाना है। पूरा वीडियो आज कीजिए फ्रेंड, अगर आप लोग आज का वीडियो देख लेंगे फ्रेंड तो आप जब भी फेस को स्मूथ करेंगे ऑटोटेक स्केच बुक के अंदर तो आपके फेस पे ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा भाई, रियल वीडियो है, फेक वीडियो नहीं है। तो इतना करने में बैक आने में फ्रेंड, देखिए फिर से हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से फ्रेंड देखिए जो हम लोग लेयर बनाए हैं उस वाले लेयर पे क्लिक कर देंगे और देखिए ब्लेंडिंग है ना नॉर्मल, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है मेरे भाई, सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देंगे। इतना करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को बैक आ जाना है। बैक आने में देखिए फ्रेंड, केवल अपने फेस पे चलाइएगा तो देखिए फ्रेंड कुछ अलग ही इफेक्ट आएगा आपके फेस के ऊपर। तो इससे ये होता है फ्रेंड, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे इससे क्या होता है मेरे भाई। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए जिस तरीके से हम ब्रश को चला रहे हैं, आप लोग भी अपने फेस पे अच्छे से ब्रश को चलाइएगा जिस तरीके से हम चला रहे हैं फ्रेंड। अगर मान लीजिए साइज को कम करके और देखिए यहाँ हैंकी पे नहीं जाना है। ठीक है भाई, हैंकी पे नहीं जाना है, केवल अपने फेस पे जहाँ जहाँ ब्लैक होगा केवल आप लोग अपने फेस पे चलाइएगा। आज का वीडियो बहुत शानदार है मेरे भाई, क्योंकि आज आप लोग वीडियो देख लेंगे तो फेस पे जब भी फेस को स्मूथ करेंगे आप लोग तो ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा, इसीलिए कहते हैं मेरे भाई पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग सीख पाएंगे मेरे जैसा एडिटिंग। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से हम ब्रश को चला रहे हैं अपने फेस के ऊपर, आप लोग भी अच्छे से चलाइएगा। तो थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं फ्रेंड, देखिए जिस तरीके से चला रहे हैं फ्रेंड आप लोग भी अच्छे से चलाइएगा। अगर मान लीजिए बैकग्राउंड पे चला गया है तो आप लोग को हटाना नहीं आता, देखिए बैकग्राउंड पे आ गया ना, अगर आपको हटाना नहीं आता तो इस पर क्लिक करेंगे और देखिए फ्रेंड एक एरो का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा ऑटोमेटिक। ओके मेरे भाई, तो देखिए यहाँ बच गया था थोड़ा, और देखिए फ्रेंड थोड़ा हम लोग के कान पर भी बच गया, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग चलाइएगा, आप लोग अच्छे से चलाइएगा ब्रश को। देखिए फ्रेंड इतना हो गया ना, देखिए हम लोग का फेस कुछ अलग ही फेस हमारा इफेक्ट हो गया, फेस पे अलग इफेक्ट आ गया है। तो देखिए फ्रेंड इस पर इतना करने में देखिए फिर से हम लोग इस वाले ऑप्शन पे करना है, इस पर क्लिक करने में देखिए फ्रेंड सॉफ्ट लाइट है ना जो हम लोग एक लेयर बनाए हैं उसी वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देंगे और देखिए ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी को अपने फोटो के हिसाब से कम कर दीजिएगा। देखिए अगर कम करेंगे तो जिस टाइप का हमारा फेस था पहले उसी टाइप का हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग ओपेसिटी को कम कर दीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। इतना करने में देखिए फ्रेंड फिर से हम लोग इस पर आ जाना है, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इस पर क्लिक करने में देखिए फ्रेंड इसका ये वाला है ना तीसरा दूसरा सॉरी भाई दूसरा वाला सेचुरेशन है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, कुछ इस टाइप का -35 कर दीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। और देखिए ह्यू को थोड़ा सा आप लोग कम कर सॉरी भाई थोड़ा सा आप लोग कम कीजिएगा, -4 कर लीजिएगा। और देखिए इसका है ना, इसका लास्ट वाला ऑप्शन है, आप लोग 100 कर दीजिएगा इसको अपने फोटो के हिसाब से। देखिए फ्रेंड फेस पे थोड़ा कुछ अलग ही क्वालिटी लुक आ गया ना, इतना करने में देखिए फ्रेंड फिर से हम लोग डन कर देंगे। तो फ्रेंड हम लोग एडिट कर चुके हैं सॉरी फ्रेंड ऑटोटेक स्केच बुक के अंदर, तो सिंपली फ्रेंड फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए गैलरी पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फोटो सेव करने में हम लोग को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। कई भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप शेयर किए हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, आप एडिट करके रख चुके होंगे, तो देखिए फ्रेंड कोई सेटिंग नहीं किए हैं। देखिए आपको दिखाते हैं लाइट पे आके दिखाते हैं, मिक्स पे दिखाते हैं, फ्रेंड देख लीजिए कोई भी सेटिंग नहीं किए हम पहले से ही। तो फ्रेंड जो भी करते हैं भाई सामने आपको दिखाते हैं,
फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो कुछ भी अभी एडिटिंग नहीं किया है फ्रेंड। तो देखिए सिंपली हम लोग को लाइट पे क्लिक कर देना है। लाइट पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, पूरा वीडियो अच्छे से वॉच कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड लाइटिंग एप्लीकेशन में अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप लोग फुल एचडी फोटो एडिट करना जान पाएंगे और फेस को कैसे गोरा किया जाता है, ठीक है भाई। तो देखिए अपने फोटो के हिसाब से ब्लैक्स को कुछ टाइप का अपने फोटो के हिसाब से कम कर दीजिएगा, तो 44 माइनस कीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से फ्रेंड, और वाइट्स को भी फ्रेंड आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कम कर दीजिएगा, तो इसको 45 माइनस करें फ्रेंड। इतना करने में देखिए फ्रेंड, शेडो का आप लोग थोड़ा सा कम कीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से, तो इसको 43 माइनस करें फ्रेंड। और देखिए हाईलाइट्स है ना, हाईलाइट्स को आप लोग थोड़ा सा कम कीजिएगा, तो इसको -58 रख रहे हैं फ्रेंड। और देखिए कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट को आप लोग थोड़ा सा बढ़ाइएगा, तो 18 प्लस बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड। और एक्सपोजर है फ्रेंड, आप लोग तो पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड, एक्सपोजर से फेस पे लाइट आता है, देखिए आपको दिखाते हैं। अगर लाइट आप लोग फेस आप लोग का सॉरी फ्रेंड, अगर आप लोग का फेस ज़्यादा ब्लैक होगा तो आप लोग एक्सपोजर की वजह से आप लोग लाइट दे दीजिएगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा हम कमी रखे रहे फ्रेंड, 0.5 माइनस कर रहे हैं फ्रेंड। इतना करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस वाले ऑप्शन पे आने में देखिए फ्रेंड, इसका सेचुरेशन है ना, सेचुरेशन आप लोग थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को फेस को गोरा करना है भाई, पूरा फुल एचडी। अगर देखिए सेचुरेशन को बढ़ाएंगे तो फेस पे इफेक्ट आएगा, तो थोड़ा सा आप लोग कम कर दीजिएगा। तो कुछ इस टाइप का फ्रेंड 20 माइनस कर रहे हैं फ्रेंड। इतना करने में देखिए, फिर से हम लोग को मिक्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। मिक्स वाले ऑप्शन पे आने में देखिए फ्रेंड, येलो वाला टोन है उस पर क्लिक कर देंगे। इसका सेचुरेशन फ्रेंड हम लोग को 100 कर देना है, और देखिए इसका ह्यू है ना फ्रेंड, ह्यू को भी आप लोग 100 कर दीजिएगा। इतना करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को ग्रीन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसका भी सेचुरेशन फ्रेंड आप लोग 100 कर दीजिएगा, और इसका ह्यू फ्रेंड आप लोग 100 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसका भी सेचुरेशन फ्रेंड आप लोग 100 कर दीजिएगा, और इसका लिमिनेशन है मेरे भाई, लिमिनेशन को आप लोग 100 प्लस कर दीजिएगा। इतना करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जिससे हम लोग फेस को गोरा करते हैं। इसका लिमिनेशन फ्रेंड अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो कुछ फ्रेंड देखिए 60 बढ़ा रहे हैं, जितना आप लोग को फेस पर लाइट देना होगा फ्रेंड लिमिनेशन को आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा हम कुछ मीडियम में ही रखेंगे फ्रेंड, 60 रखेंगे। कुछ इस टाइप का अपने फोटो के हिसाब से दे दीजिएगा फेस पर लाइट पर फ्रेंड, फेस पर लाइट दे दीजिएगा। तो कुछ 60 रख रहे हैं फ्रेंड, और इसका सिचुएशन फ्रेंड थोड़ा सा आप लोग कम कर दीजिएगा। अगर आप लोग कम सिचुएशन करेंगे फ्रेंड, तो कुछ अलग ही लुक आता है फेस पे। तो कुछ इस टाइप का फ्रेंड -8 रख रहे हैं। इतना करना देखिए, फिर से हम लोग को फर्स्ट वाले कलर पे आ जाना है, और इसका सिचुएशन फ्रेंड आप लोग फोटो के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो 32 बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, 32। इतना करना देखिए, फिर से हम लोग डाउन कर देंगे। डाउन करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आने में फ्रेंड देखिए इसका क्लियरिटी है ना, क्लियरिटी को जितना आप बढ़ाएंगे, जितना आप लोग बढ़ाएंगे, तो उतना ही आप लोग का फुल एचडी फोटो क्वालिटी में बनेगा। तो कुछ इस टाइप का फ्रेंड 35 प्लस बढ़ा रहे हैं, और टेक्सचर को भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तो 10 कर रहे हैं फ्रेंड। और डिजीज को भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से फ्रेंड, तो देखिए 10 कर रहे हैं। इतना करना देखिए, फिर से हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसका शार्पनिंग फ्रेंड अपने फोटो के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। इतना करना देखिए, फिर से हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इन दोनों को फ्रेंड आप लोग को ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने में देखिए फ्रेंड, फिर से हम लोग को फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और फोटो को जूम कर लेना है। और देखिए ऊपर प्लस वाला आइकन, उस पर क्लिक कर देंगे, और एक ब्रश वाला आइकन उस पर क्लिक कर देंगे, और देखिए एक छोटा सा बिंदु उस पर क्लिक कर देंगे, और अपने लिप्स पे लगा लीजिएगा। लिप्स पे लगाने के बाद फ्रेंड देखिए, फिर से हम लोग को कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और जिस टाइप का आप लोग होंठ को लाल करना चाहते होंगे फ्रेंड आप लोग कर लीजिएगा। इतना करने में देखिए, फिर से हम लोग डाउन कर देंगे। कोई भाई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई मेरे लाइटिंग एप्लीकेशन में होंठ को रेड करने वाला नहीं आता है, तो फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, लास्ट में बता देंगे फ्रेंड एक और एप्लीकेशन से होंठ को लाल किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग एडिट कर चुके हैं लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फ्रेंड शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो फ्रेंड हम लोग शेयर कर चुके हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग मेरे जैसा फेस को स्मूथ करना सीख पाएंगे, वो भी फुल एचडी फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड आज आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड आज आप लोग को बताएंगे जो भी फेस पे ब्लैक ब्लैक रहता है उसको कैसे हटाया जाता है। तो सिंपली फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, पेंसिल आइकन पे आ जाएंगे, लाइब्रेरी में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, स्मूथ 1 2 3 4 5 6 7 सातवां नंबर ब्रश यूज करेंगे फ्रेंड। सेटिंग देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। साइज अपने हिसाब से रखिएगा, फालो को 5 रखिएगा, स्ट्रेंथ को भी 5 रखिएगा फ्रेंड, और फोटो को जूम कर लीजिएगा। बहुत भाई लोग कमेंट करके बोलते हैं भाई जब भी मैं फेस को स्मूथ करता हूँ तो फेस पे ब्लैक ब्लैक आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, पहले से ही फेस पे मेरा ब्लैक है, तो इसको हटाना है। तो देखिए फ्रेंड कैसे हटाएंगे, थोड़ा साइज को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, फोटो को जूम कर लीजिएगा। देखिए भैया ब्लैक है ना, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए, जिस तरीके से हम ब्रश को चला रहे हैं फ्रेंड उसी तरीके से आप लोग चलाइएगा। देखिए फ्रेंड कितना ही अच्छा हमारा फेस स्मूथ हो रहा है, एक लेवल में हो रहा है मेरे भाई। अगर देखिए आपको दिखाते हैं, हट गया ना, फिर से आपको ला करके दिखाते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आ गया ना, देखिए आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। थोड़ा सा आप लोग साइज को कम कर लीजिएगा, फोटो को जूम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ ब्लैक है ना, तो इस टाइप का कुछ इस टाइप का अच्छे से आप लोग ब्रश को चलाना है, एकदम अच्छे से हल्के हाथों चलाएंगे फ्रेंड, तभी आप लोग का फेस एक ही में मिक्स होगा और फेस को गोरा कर पाएंगे, अच्छे से स्मूथ करेंगे, तभी आप लोग
कर पाएंगे फेस को गोरा, क्योंकि फ्रेंड ब्लैक ब्लैक रहेगा तब जब भी फेस को स्मूथ करेंगे तो एक ही में मिल जाएगा तो अच्छा नहीं फेस दिखेगा। देखिए यहाँ ब्लैक ब्लैक है ना, तो देखिए फिर आप लोग ऐसे चलाते होंगे, देखिए एक में मिल जा रहा है ना, तो आप लोग को ऐसे नहीं चलाना है। देखिए फ्रेंड इसको अटैक दिखाते हैं, देखिए आप लोग को ऐसे नहीं चलाना है, थोड़ा साइज को कम कर लेंगे और फोटो को जूम कर लेंगे। और देखिए ब्लैक है ना, अच्छे से देखिए जिस तरीके से हम चला रहे हैं ब्रश को, देखिए फ्रेंड कितना ही अच्छा हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। आप लोग क्या करते होंगे फ्रेंड, जल्दीबाजी में आप लोग फेस को स्मूथ करते होंगे, इसलिए फ्रेंड आप लोग देखिए आप लोग अच्छे से फेस को स्मूथ करना नहीं जान पाते होंगे, तो फिर इसीलिए कहते हैं पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग सीख पाएंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ ब्लैक्स था ना, दिख नहीं रहा है, ठीक है भाई दिख नहीं रहा है, जहाँ ब्लैक्स था वो हट गया ना, एक ही में फेस हमारा स्मूथ हो गया ना, तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग सीख पाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ भी ब्लैक्स है, तो इसको हटा के दिखाते हैं, थोड़ा सा आप लोग साइज बढ़ा लीजिएगा, फोटो को जूम कर लीजिएगा, और इस तरीके से आप लोग अच्छे से ब्रश को चलाना है, ऊपर की तरह खींचना है मेरे भाई। देखिए जिस तरीके से हम ऊपर की तरह खींच रहे हैं, ताकि फिर अगर आप लोग ऊपर की तरह खींचेंगे तो जो भी ब्लैक ब्लैक रहेगा और ऊपर व्हाइट रहेगा तो एक ही में मिक्स हो जाएगा, तो आप लोग का फेस एकदम अच्छे से फुल एचडी स्मूथ होने लगेगा, ठीक है भाई। अगर आप लोग करेंगे तभी होगा, अगर नहीं करेंगे फ्रेंड तो ऑटोमेटिक तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए कहते हैं फ्रेंड आप लोग अच्छे से फेस को गोरा कीजिएगा और अच्छे से फेस को स्मूथ कीजिएगा, हल्के हाथों से ब्रश को चलाएंगे फ्रेंड, जितना ही आप लोग अच्छे से ब्रश को चलाएंगे उतना ही अच्छा आप लोग का फेस स्मूथ होगा और ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए ब्लैक है, तो फोटो को जूम कर लीजिएगा, थोड़ा साइज को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, और देखिए अभी कितना अच्छे से हट जाएगा, देखिए गोला की हट गया ना। आप लोग पता नहीं कैसे फ्रेंड आप लोग फेस को स्मूथ करते हैं, कि आप लोग कमेंट करते हैं भाई कि जब भी मैं फेस को स्मूथ करता हूँ तो ब्लैक ब्लैक आ जाता है, तो फिर देखिए ना आप लोग को कितना अच्छे से हम वीडियो समझा रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो छोड़ के जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से फेस को स्मूथ कर लीजिएगा फ्रेंड। तो आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूँ तब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग अच्छे से फेस को स्मूथ कर लीजिएगा ऑटोटेक स्केच बुक के अंदर, मैं पहले ही बताया हूँ फ्रेंड कि आप लोग को बताएंगे लास्ट वीडियो में फ्रेंड कि एक और एप्लीकेशन है जिससे हम अपने होठ को लाल कर पाते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड फेक वीडियो नहीं बनाते हैं फ्रेंड, ओनली रियल, ठीक है भाई। तो सबसे पहले फ्रेंड आप लोग फेस को स्मूथ करके आप लोग शेयर कर लीजिएगा पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर, शेयर करने में फिर देखिए रिटच पे क्लिक कर देंगे, रिटच पे क्लिक करने में देखिए फ्रेंड फिर से हम लोग को इधर आ जाना है, हेयर कलर पे आ जाना है, हेयर कलर पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड, और देखिए ऑटोमेटिक हम लोग का हेयर कलर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ से भी आप लोग हेयर को कलर कर सकते हैं, तो सिंपली फ्रेंड इरेजर पे क्लिक करके आप लोग जो भी हेयर पे इफेक्ट आया रहेगा फ्रेंड उसको आप लोग पहले इरेज कर लीजिएगा, क्योंकि फिर हम लोग को होठ लाल करना है, ठीक है भाई। तो देखिए मैनुअल पे आ जाएंगे, मैनुअल पे आने पर फ्रेंड देखिए हम लोग को रेड वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है और फोटो को जूम कर लेंगे, और केवल अपने लिस्ट पे चलाइएगा जिस टाइप का आप लोग होठ को लाल करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए हो रहा है ना रेड, अगर देखिए आप लोग को ज़्यादा लाल चाहिए फ्रेंड, ज़्यादा रेड चाहिए तो अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड फेक वीडियो नहीं है भाई, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर आप लोग को लाइटरूम में करना नहीं आता है होठ को लाल, तो फ्रेंड लास्ट में बता देंगे एक और एप्लीकेशन है, तो फ्रेंड पिकशॉट एप्लीकेशन से होठ को रेड किया जाता है। देखिए फ्रेंड इतना करना, देखिए यहाँ से हम डन कर देंगे, तो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।